तो आपने जो वीडियो देखा वो उत्तराखंड का है, जहाँ पर सरस्वती नदी लुप्त होती है। और इस नदी का लुप्त होने का कारण भी ये है कि यहाँ पर ही महर्षि वेदव्यास ने महाभारत लिखी थी। वो जब महाभारत लिख रहे थे, तब सरस्वती माता की जो प्रवाह का वेग है, उसका जो ध्वनि है, उससे महर्षि वेदव्यास का आवाज़ गणेश जी तक नहीं पहुंच रहा था। लिखने में दिक्कतें आ रही थी, तो उन्होंने सरस्वती नदी को कहा कि आप अपना वेग थोड़ा कम कर दीजिए। लेकिन सरस्वती नदी उसी प्रवाह के साथ, उसी वेग के साथ बहती रही, और महर्षि वेदव्यास जी को क्रोध आया और उन्होंने श्राप दे दिया कि जिस प्रवाह पर, जिस वेग पर तुम्हें घमंड है, वो तुम्हारा जो घमंड है वो टूट जाएगा और तुम लुप्त हो जाओगी। लोग तुम्हें ढूंढते रहेंगे, कहीं पर तुम दिखोगी फिर वापस लुप्त हो जाओगी। तो ये वही जगह थी जहाँ पर सरस्वती माता, सरस्वती नदी लुप्त होती है और फिर आगे जाके कहीं पर दिखती है और फिर से लुप्त हो जाती। तो यही रीज़न था सरस्वती नदी के लुप्त होने का। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।